इनको कैसे दिलासा दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे नहीं चाची, देखिए इनको संभालिए, मैं आप मेरी माता सम... 5 गोली मारी कनपट्टी पर, सीना पर, पीठ पर, सर पे और छाती पर। दुनिया से गए हैं, मेरे लिए नहीं गए हैं। पापा दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा और आपके लिए, और मैं जब IAS ऑफिसर बनूंगी तो मैं यहाँ पे जितने लोग हैं उनके दीवार मेरे पापा थे। हाँ। मैं बनूंगी उनकी दीवार, आप बनेंगी। हाँ। ये IAS बन के बदला लीजिएगा आप। बिल्कुल। हाँ? हाँ। और जब ईमानदार पत्रकार की माँ ऐसे रोएगी तो कौन सी माँ अपने बेटे को पत्रकार बनने के लिए भेजेगी? भाई जरा बताइए, हमारी भी माँ है। जमुई के सिमुलतल्ला में एक और पत्रकार की हत्या हो गई है। जी हाँ, प्रभात खबर के पत्रकार गोकुल को बदमाशों ने दिन दिहाड़े 10 बजे सुबह गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और किसी नेता, मंत्री, विधायक का आज तक ट्वीट नहीं आया। और चिराग पासवान जी जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने अभी तक पीड़ित परिवार से बात तक नहीं किया, तो क्या समझे? दुर्भाग्य इस देश का और दुर्भाग्य पत्रकार समाज का कि जिसका मन करे, जिस अपराधी का मन करे, वो जब चाहे, जहां चाहे, जब दिन और दिहाड़े चाहे गोली मारकर हत्या कर दे। ये गोकुल कुमार के पिताजी हैं जो रो नहीं रहे हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ये इतना रोए हैं कि इनके आंखों का आंसू सूख गया है। ये उनकी बेटी है जो अभी IAS बनने का सपना देख रही है। इनके पिताजी भी चाहते थे कि बिटिया IAS बने। उनकी धर्म पत्नी है जो इनका रो रो कर आंखों से आंसू सूख गया है, मांग कर इनके सिंदूर उजड़ गया है, और अभी तक किसी भी नेता, मंत्री, विधायक का ट्वीट नहीं आता है, तो दुर्भाग्य है। अब ये कितना रोए, इतना रोए कि इनके आंखों से आंसू चला जाए। ये उनकी माता जी है जो उस दिन से 6 दिन से रो रोकर जिनका बुरा हाल हो गया है, और ये रो रोकर जो है बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी भी नेता, मंत्री, विधायक ने इनसे न से फोन पर बात की, न अपराधियों को सजा का प्रावधान हुआ, और सिर्फ गिरफ्तारी के नाम पर मजाक हुआ है। कल को DM और SSP साहब इनके घर में आकर दिन दिहाड़े इनके घर वाले लोगों को ठोक जाए, कोई AK-47 से दाग जाए, तो क्या जवाब दीजिएगा? इनको कौन सा सिक्योरिटी आप मुहैया करवाए हैं? और जिस ईमानदार की, पत्रकार की मैं बात कर रहा हूं, वो इन लोगों की आवाज थे। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ना यहां पर, ये सब लोगों की आवाज एक ईमानदार पत्रकार थे, और ईमानदार थे इसीलिए उनको गोली मार दिया गया। उनकी बेटी है, क्या नाम हुआ आपका? विद्या विनयम। विद्या विनयम, पिताजी अब नहीं रहे, पिताजी का क्या सपना था? मुझे IAS ऑफिसर बनाने की, बनाने का। अब वो सपना रहेगा या सपना सपना ही हो जाएगा? रहेगा, मैं पूरा करूंगी अपने पापा का सपना। आपके पिता को जी को गोली मार दिया बदमाशों ने। हाँ। आपके पापा ईमानदार थे इसलिए मारा गया। हाँ। हमेशा अच्छे इंसान को उठा लिया जाता है। हाँ। और बुरे इंसान रह जाते हैं बुराई करने के लिए, इसलिए हमारी दुनिया बहुत खत्म होती जा रही है। अब पिताजी है नहीं तो कौन पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाएगा? सरकार। सरकार नहीं आएगी आपके लिए? आएगी, उनको आना पड़ेगा, वो उठाएगी। मेरा पालन पोषण कैसे होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, वो सरकार जानती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कितने बजे आपके पिताजी को गोली मारी गई? 10:30 बजे दिन दिहाड़े। हाँ। क्यों मारी गई? क्योंकि आपके पिताजी ईमानदार थे। हाँ। राष्ट्रभक्त थे। हाँ। सच्चाई के साथ खड़े होते थे। हाँ। अच्छा को अच्छा कहते थे, बुरा को बुरा कहते थे, अपराधियों को गलत कहते थे, अपराधियों के घर में घुसकर खबर लिखते थे, इसलिए मारा गया क्या? हाँ। क्या कीजिएगा अब? अब तो उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। मिलेगा। कब मिलेगा? मिल जाएगा, काम चल रहा है। हाँ। उन लोगों का, उन्होंने कहा है कि काम होने दीजिए अच्छे से। बिटिया को पता है, इसको लोकतंत्र और समाजतंत्र पे विश्वास है, इसलिए करे, लेकिन मुझे इस लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। DM साहब, नेता जी, मुझे आपके लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पत्रकार की हत्या के बाद पत्रकार को न्याय नहीं मिलेगा। और ये बिटिया को उम्मीद है, कम से कम इस बिटिया के सपनों पर तो खरा उतरिए ना। DM साहब बताइए, ये बताइए कि जो है पिताजी अब नहीं रहे, माता जी रो रही हैं, सबका बुरा हाल है, अब क्या होगा? क्या होगा, अब सरकार पे निर्भर है, सब सरकार करेगी, मेरा पालन पोषण करे तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पढ़ाई लिखाई, मैं क्योंकि मैं ही हूँ, अब अगर वो मेरी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाए ना, और मैं जब IAS ऑफिसर बनूंगी तो मैं यहाँ पे जितने लोग हैं उनके दीवार मेरे पापा थे। हाँ। मैं बनूंगी उनकी दीवार, आप बनेंगी। हाँ। ये सब लोग जो जितने लोग हैं, ये आपके पिताजी के ऊपर भरोसा करते थे कि गोकुल कुमार जी हमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन जो न्याय दिलाता उसी की हत्या कर दी जाती है। अब सोचिए जो है महोदय
महोदय लोग, किसी का नाम मैं नहीं रखना चाहूंगा, महोदय और माननीय लोग जरा सोचिए कि ये बेटी अपने बाप के गोद में खेल कूद कर पढ़ी थी और बड़ी हुई थी, कंधों पर बैठकर स्कूल जाती थी, पिताजी का सपना था कि ये डीएम बने, लेकिन सपने को सपने में मिला दिया, क्योंकि इस देश में अपराधी खुलेआम घूमते हैं, दिन दिहाड़े गोली मार देते हैं। इनके पति को जो है मार दिया गया, इनका मांग का सिंदूर उजड़ गया है, ये माताएं जो रो रही हैं, मैं इनको कैसे दिलासा दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे नहीं चाची, देखिए इनको संभालिए, मैं आप मेरी माता समान है, मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा और आपके लिए जो है मैं आवाज उठाकर लोगों तक पहुंचाऊंगा, आप रोइए मत, ये ईमानदार पत्रकार की माँ है, और जब ईमानदार पत्रकार की माँ ऐसे रोएगी तो कौन सी माँ अपने बेटे को पत्रकार बनने के लिए भेजेगी? भाई जरा बताइए, हमारी भी माँ है, हमें भी पत्रकारिता के लिए भेजा गया है, हमें भी ऐसे गोली मारा जाएगा तो किसका भरोसा रहेगा? जरा बताइए ना डीएम साहब, दिन दिहाड़े अपराधी 10 बजे गोली मार देते हैं और किसी का जमीर नहीं जिंदा होता है और सबका जमीर मर जाता है और कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार जो है खबर नहीं चलाता है, तो दुर्भाग्य ना इस देश का। इस माँ को मैं क्या बोलूं, मैं क्या दिलासा दूं कि तुम्हारे बेटे को मैं वापस लेके आऊंगा? मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, लेकिन मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं माइक खोज कर इनके लिए इंसाफ दिला सकता हूँ। आप मेरी आवाज बनिए, इस माता के लिए आप आवाज बनिए, इस माता को जो इंसाफ दिलाने का आप लोग प्रयास कीजिए। इनका आंखों का आंसू छीन गया है, आंखों का इनका एक इकलौता बेटा जो था वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर से साया उजड़ गया। ये किसको अपना बेटा कहेंगे? ये आस लगाती थी कि गोकुल पत्रकार हमारा बेटा सुबह शाम आएगा, अब इनको आस नहीं है, क्योंकि इनके बेटे को अपराधियों ने सुबह 10 बजे 5 गोली मारी, कनपट्टी पर, सीना पर, पीठ पर, सर पे और छाती पर। अब जरा सोचिए, जिस राज्य सरकार में, जिस सरकार में मंसूबे इतने अच्छे हों अपराधियों के, उस देश में पत्रकारों का क्या होगा? आज मैं वो मारा गए हैं, कल हम भी मारा जाएंगे, परसों सभी मारे जाइएगा जब तक आप आवाज नहीं उठाइएगा। जो है क्या बात करूं मैं इनसे, बताइए ना, आप ही लोग बताइए, क्या पूछूं कि इनका पति मर गया है, इनके पति को मार दिया गया है, क्या पूछूं इनसे? हम लोग आपको न्याय दिलाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारी बहन समान है, और आप रोइए मत, आपके पति ईमानदार थे, वो मरे नहीं, वो शहीद कहलाएंगे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जितने लोग आपको यहां पर दिख रहे हैं ना सर, ये उनकी दीवार थे, आवाज थे उनके। अगर किसी के पेट में दर्द भी होता था, कोई गुंडा मवाली माफिया परेशान करता था, तो वो आवाज गोकुल कुमार इनकी बनते थे। बिटिया अब कौन आवाज बनेगा? मैं। आप बनिएगा, आपको भी मार दिया जाएगा। तो मुझे नहीं मार सकते वो लोग। क्यों? पता नहीं, क्योंकि मेरे पापा मेरा हमेशा रक्षा करेंगे, वो अगर नहीं गए वो दुनिया से गए हैं, मेरे लिए नहीं गए हैं। पापा दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे, और मेरे पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। IAS बन के बदला लीजिएगा आप। बिल्कुल है? हाँ, IAS बनिएगा। हाँ, कम से कम इसके पढ़ाई का खर्चा ही उठा लीजिए ना नेता लोग, पढ़ाई का खर्चा उठा लीजिए, घर देख लीजिए, घर किस प्रकार से, घर ही बनवा दीजिए, कोई मुआवजा ही दे दीजिए, इस बच्चे का पढ़ाई का जिम्मा लेकर सरकारी नौकरी का सांत्वना दे दीजिए, बगल में ये आवासीय से मुल्तल्ला विद्यालय है, और ये भाई हैं, इन्होंने अपना भाई खोया है। यहाँ लोकल नेता लोग क्या आवाज उठाएंगे, यहाँ लोकल नेता लोग साइड से बोल रहे हैं कि जो तीन जना जो गए हैं जेल, उसको तो चुटकी में निकाल देंगे, पैसा जितना लगेगा उतना दे के। लोकल नेता लोग, यहाँ का लोकल सिमुलतल्ला का मेरा लोकल नेता लोग बोल रहे हैं कि उसको 1 महीना में निकाल देंगे, गोकुल का हत्या चुटकी में निकाल देंगे, वो क्रिमिनल था। आप सोचिए कि बिहार में पिछले 3-4 महीनों में 4 से 5 पत्रकारों की मौत हो गई है, तो कौन अपनी लेखनी से और कौन अपनी कलम से अच्छी खबर लिखेगा? चाचा ये बताइए, नहीं कर सकता है। बेटा खो दिया है आपने। हमारा बेटा चला गया। अब ये बताइए, ये भी आपका बेटा है, ये भी कह रहे हम न्याय के लिए लड़ेंगे, और ये नातनी है, पोती है, अगर इसको भी मार दिया जाएगा तब क्या कीजिएगा? मार सकते हैं लोग कि नहीं? हाँ, लोग चाहेंगे तो आराम से मार सकते हैं लोग, लेकिन सरकार अगर इस पर निगरानी अगर दिए, उम्मीद है सरकार से। हाँ, उम्मीद है सरकार से, अगर निगरानी दिया तो हम रक्षा रहेंगे। ये बुजुर्ग हो गए हैं, और इनको उम्मीद था कि हमारे बुजुर्गी के समय में, हमारे वृद्धा काल में जो है, हमारा बेटा, हमारा कंधा, हमारी रीढ़ की हड्डी बनकर सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक इनको सुरक्षा नहीं मिली है, इनको ये कहा गया कि अगर आप आगे जाइएगा तो जो है कहीं ना कहीं आपको भी जान से मार दिया जाएगा, आपके भी सेने में गोली मारा जाएगा। मैं इतना चाहता हूं, तमाम पत्रकारों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं,
मेरे लिए नहीं, मैं आपका कंपटीटर हूँ, मेरे लिए नहीं, इन माता पिता और इन माँ के लिए, इस बेटे के लिए कम से कम एक खबर चला दीजिए, सिर्फ एक खबर, इस बेटे के लिए एक खबर चला दीजिए और मैं मान जाऊंगा कि आपकी मानवता जिंदा है। जो सोनुआ के यहाँ पत्रकार जो लाइन लगाते थे, जो आरती छोटू के यहाँ लाइन लगाते थे, जो सीमा वायरल होने के बाद जमुई में लाइन लगाते थे, उन्हीं पत्रकारों से निवेदन है कि सिमुल तल्ला के इस पत्रकार के लिए आवाज उठाइए, नहीं तो माफिया का, गुंडा का, मवाली का, आतंकवादी का कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है। कल को कल गोकुल जी मारे गए हैं, कल को हम मारे जाएंगे, परसों आप मारा जाइएगा, तो कोई आवाज उठाने वाला पैदा नहीं होगा। चाची धमकी आ रही है क्या? हाँ बाबू, धमकी देव करा वाले एक महीना में छुड़ा ले साहब के, एक महीना में छुड़ा लेंगे, ऐसी धमकी आ रही है यार, मारबो बोल तीन गोटा के। अच्छा चाची, जो है बेटा आपके बड़े ईमानदार थे। हाँ बाबू भाई, इस मर्दन को बाबू, आप लोगों का यही एक एक उम्मीद और चिराग थे। हाँ चाची। हाँ बाबू, सब छोट छोट सब ओकरे पर चले छलो, तीनी हो बाबू, चार गो छलो, चार गो बड़ा छलो, मैं जिस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया चाची सब उनके पर चलिए बाबू, सबको जितना परिवार उतना सब उनके पर चलिए बाबू। बताइए, पूरे परिवार का जिम्मा था उनके ऊपर, लेकिन अब चिराग नहीं रहा तो कौन जिम्मा उठाएगा। लेकिन चिराग जी, आप चाहें तो यहाँ के सांसद हैं, इनके घर का चिराग आप बन सकते हैं, और चाहेंगे तो चिराग बन जाएंगे तो ये लोग सराखों पर बिठाएंगे, जमुई के लोग आपको महामहिम मानेंगे, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कम से कम इनसे फोन से तो बात कर लीजिए ना चिराग जी। और एक बार और कहना चाहूंगा कि पत्रकार सुरक्षा कानून बहुत जल्द बनना चाहिए, ऐसा मैंने केंद्र सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ, नहीं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ऐसे ही मारा जाएगा, दिन दिहाड़े गोली से भूना जाएगा और कोई आवाज उठाने वाला पैदा नहीं होगा। जिस दिन इलेक्ट्रिक मीडिया जो है 5 मिनट का बुलेटिन प्राइम टाइम में, जिस दिन प्रिंट मीडिया अपने फ्रंट टाइम पे और फ्रंट पेज पे, और डिजिटल मीडिया 2 कवरेज इस पत्रकार समाज के लिए कर देगी, उस दिन यहां के लोगों को न्याय मिल जाएगा। बाकी सिमुल तल्ला आप लोग आइए, इनकी आवाज उठाइए, ऐसा मैं आह्वान करके जा रहा हूं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।